नमस्कार। ऑनलाइन कक्षा की श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे नायक नायिका भेद। तो आज का हमारा अध्ययन का विषय है बीए सेकंड ईयर के पेपर फर्स्ट में काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र के अंतर्गत एक विषय आता है नायक नायिका भेद, जिसके बारे में आज की कक्षा में हम अध्ययन करेंगे। तो नायक नायिका भेद क्या है, तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। नायक नायिका भेद के संबंध में जो है कहा गया है वो ये है कि भारतीय काव्य शास्त्र में नायक नायिका के भेद निर्धारित किए गए हैं। नायक नायिका होता क्या है, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं। नायक नायिका से तात्पर्य है काव्य या नाटक का जो पात्र, जिसे कि आप अपनी सरल भाषा में एक्टर अभिनेता भी कहते हैं, तो जो कथा को नयन करता है, कथा को आगे ले जाता है, वो नायक होता है। और नायक की ही प्रिया पत्नी वो कहलाती है नायिका। तो आज की कक्षा में हम नायक और नायिका के भेदों का, इनके अंतर का अध्ययन करेंगे कि इनके क्या क्या प्रकार हैं। नायक भारतीय काव्यशास्त्र में किस किस रूपों में मिलते हैं, नायक के क्या क्या रूप, क्या क्या भेद, क्या क्या प्रकार निर्धारित किए गए हैं, और नायिका के भी क्या भेद क्या प्रकार हैं। तो आइए शुरू करते हैं नायक नायिका भेद। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे नायक के प्रकार कि नायक क्या होता है। भारतीय काव्यशास्त्र में परिभाषित रूप में नायक किसे कहा गया है, तो आज हम देखते हैं इसके बारे में। आइए चलिए। नायक जो होता है कथा वस्तु को वहन करता। कथा वस्तु क्या है, कथा वस्तु से तात्पर्य है नाटक का जो कथा है, जो उसका कथानक है, पूरी कथा है, उस कथा को कथा वस्तु कहा जाता है। तो नायक जो है कथा वस्तु को वहन करने वाला होता है, उसे आगे ले जाने वाला होता है। नायक के आधार पर ही क्या है, वो कहानी पूरी आगे बढ़ती है और वो अंतिम फल तक उस कहानी को ले जाता है, अर्थात उसके एंड तक, शुरू से लेकर उसके अंत तक जो है नायक की उपस्थिति रहती है, ऐसा होता है नायक। तो नायक कथा वस्तु को वहन करने वाला, इसे आगे ले जाने वाला, वह अंतिम फल तक ले जाने वाला वह पात्र होता है जिसकी भावना का प्रसार पूरी कथा वस्तु में होता है, नायक कहलाता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी भी कथानक में, किसी भी कथा वस्तु में नायक जो है सबसे महत्वपूर्ण पात्र होता है, वही उस कथा को आगे बढ़ाता है और उसे अंतिम सिरे तक लेकर जाता है, और इस आधार पर उसी की ही भावनाओं का, नायक की ही भावनाओं का प्रसार पूरी कथा वस्तु में हमें देखने को मिलता है। तो इसी आधार पर हम कह सकते हैं नायक के संबंध में कि नायक अंतिम फल का भोक्ता होता है, जिसे कथानक का जो अंतिम जो एंड है, अंत भाग है, और उसका जो रिजल्ट है, वो परिणाम जो है वो नायक पर ही आधारित होता है। आधिकारिक कथा का नयन करता है। कथा दो प्रकार की होती है, आधिकारिक कथा और प्रासंगिक कथा। अब ये आधिकारिक कथा और प्रासंगिक कथा क्या है, तो ये मैं आपको बता दूं। आधिकारिक कथा से तात्पर्य है मुख्य कथा, और प्रासंगिक कथा जो उस कहानी में कोई और भी छोटी छोटी बातें, कहानियाँ आती हैं। तो उदाहरण के रूप में मैं आपको समझाती हूँ, जो राम की कथा है वो है आधिकारिक कथा। रामायण में आपको राम की कथा देखने को मिलती है, राम उसके मुख्य पात्र हैं, तो इसलिए जो राम की कहानी है वो है आधिकारिक कथा। परंतु राम के साथ कुछ छोटी छोटी कहानियाँ भी जुड़ गई, जैसे सुग्रीव की कहानी, शबरी की कहानी, कुछ वो पात्र भी जुड़े हैं, उनसे संबंधित भी लघु कथाएँ हैं, तो वो है प्रासंगिक कथा। तो आधिकारिक कथा का नयन करने वाला कहलाता है नायक, और जिसकी भावना का प्रसार पूरी कथा वस्तु में होता है, पूरे कथानक में होता है, प्रारंभ से लेकर अंत तक, वह कहलाता है नायक। तो इस प्रकार से नायक की हमने तीन विशेषताएं बताई कि नायक अंतिम फल का भोक्ता होता है, आधिकारिक कथा का नयन करता है, और जिसकी भावना का प्रसार पूरी कथा वस्तु में होता है वह नायक कहलाता है। अब हमारे भारतीय काव्यशास्त्र में नायक के चार प्रकार निर्धारित किए गए हैं। नायक को चार रूपों में निर्धारित किया गया, वो चार प्रकार क्या हैं, तो देखते हैं। धीरोदात्त नायक, धीरोदात्त नायक कहलाते हैं राम। धीरोदत्त नायक लक्ष्मण। धीरोदात्त जिसमें सर्वश्रेष्ठ गुणों से युक्त होता है वो है हमारे राम, और धीरोदत्त जिसमें कि धीरोदात्त से कुछ गुण कम हो तो वो है लक्ष्मण। धीर ललित जो कि ललित कलाओं में अपनी रुचि रखता हो वो है धीर ललित, जैसे कि दुष्यंत, और धीर प्रशांत
शांत स्वभाव का परंतु क्षत्रिय हो, जैसे कि युधिष्ठिर। तो ये है धीरोदत्त राम, धीरोदत्त लक्ष्मण, धीर ललित दुष्यंत और धीर प्रशांत युधिष्ठिर। ये चार भारतीय काव्यशास्त्र के अनुसार नायक के प्रकार हैं। नायक को भारतीय काव्यशास्त्र में इन चार भागों में बांटा गया है, इन चार रूपों में स्वीकार किया गया है। कुछ अन्य भी रूपों में हमें देखने को मिलते हैं जिस प्रकार जो नायक होते हैं। ये तो नायक के मुख्य पात्रों के प्रमुख पात्र के रूप में, अन्य सहायक पात्रों के रूप में जो नायक आते हैं, एक तो जैसे मुख्य अभिनेता हो गया, उसके साथ साथ अन्य सहायक जो कलाकार होते हैं, सहायक अभिनेता, सहायक पात्र होते हैं, तो उसी के आधार पर हम यहाँ देख सकते हैं कि नायक का जो एक सहायक ऐसा पात्र जो प्रासंगिक कथा का प्रमुख पात्र हो, पीठ मर्द कहलाता है। मैंने आपको पहले भी बताया प्रासंगिक कथा क्या होता है, आधिकारिक कथा। कथा दो प्रकार की, आधिकारिक कथा और प्रासंगिक कथा। रामायण में जो राम की कथा है वो है आधिकारिक कथा, और सुग्रीव की कथा, शबरी की कथा वो है प्रासंगिक कथा। तो नायक का जो सहायक पात्र होता है और जो प्रासंगिक कथा का मुख्य पात्र है, जैसे सुग्रीव की प्रासंगिक कथा में जो है वो सुग्रीव है, शबरी की प्रासंगिक कथा में शबरी है, तो इस प्रकार से प्रासंगिक कथा का जो मुख्य पात्र होता है वो कहलाता है पीठ मर्द। ये भी नायक का ही एक प्रकार है, जैसे कि राम कथा में सुग्रीव पीठ मर्द है। नायक का विरोधी पात्र खलनायक कहलाता है, नायक का विरोधी पात्र खलनायक कहलाता है, जैसे कि राम कथा में रावण। और एक पात्र और भी सर्जित होता है, वो है विदूषक। तो विदूषक से क्या तात्पर्य है कि नाटक का वह पात्र जो हास्य की सृष्टि करता है, मतलब नाटक का जो वातावरण है उसे हास्य में बना देता है, वो कहलाता है विदूषक। जो उसमें हास परिहास कुछ मनोरंजन का कार्य करता है, हंसी का कार्य करता है, तो हास्य उत्पन्न करता है, ऐसा पात्र कहलाता है विदूषक। तो आज हमने इसमें नायक में देखा कि नायक की प्रमुख विशेषताएं और नायक के चार प्रकार भारतीय काव्यशास्त्र के अनुसार, धीरोदात्त, धीर ललित, धीर दत्त और धीर प्रशांत, और फिर पीठ मर्द क्या है, खलनायक किसे कहते हैं, और विदूषक। तो ये था हमारा नायक का प्रकार। इसके बाद हम देखते हैं नायिका। जिस प्रकार से नायक के भी अलग अलग प्रकार निर्धारित किए गए, नायक के भी अलग अलग रूप, मुख्य नायक, सहायक नायक, खलनायक, विदूषक, प्रासंगिक कथा का मुख्य नायक, उसी प्रकार से नायिका के भी अलग अलग प्रकार हैं, अलग अलग रूप हैं। तो आइए पढ़ते हैं नायिका के प्रकारों के बारे में। भारतीय काव्यशास्त्र में नायक के साथ नायिका का भी व्यापक उल्लेख मिलता है। नायिका काव्य, नाटक, काव्य भी हो सकता है और नाटक भी हो सकता है, दोनों में ही वह प्रमुख स्त्री, वह प्रमुख स्त्री पात्र जो कि नायक की प्रिया होती है या पत्नी होती है, वह नायिका कहलाती है। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं राम की कथा में नायिका कौन हुआ, राम की पत्नी सीता, वो है नायिका। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि काव्य या नाटक का वह प्रमुख पात्र, प्रमुख स्त्री पात्र जो कि नायक की पत्नी होती है, उसकी प्रिया होती है, वह कहलाती है नायिका। नायिका के अनेक भेद दिए गए हैं जो कि इस प्रकार से हैं, हम देखते हैं इन्हें। लज्जा के आधार पर नायिका, लज्जा स्त्री का प्रमुख गहना है और उसी गहने के आधार पर नायिका के कुछ भेद किए गए हैं कि लज्जा के आधार पर नायिकाएँ तीन प्रकार की होती हैं, जो इस प्रकार से मुग्धा नायिका, प्रौढ़ा नायिका और धीरा नायिका। एक बार फिर से सुनिए, मुग्धा नायिका, प्रौढ़ा नायिका और धीरा नायिका। अब इनकी क्या विशेषताएं हैं, क्या स्वरूप है इनका, तो वो देखते हैं। मुग्धा नायिका वह नायिका होती है जिसमें लज्जा की अधिकता बहुत होती है, मतलब जिसमें लज्जा की अधिकता होती है, जिसमें लज्जा का गुण पाया जाता है, तो वो कहलाती है मुग्धा नायिका। प्रौढ़ा नायिका जिसमें लज्जा तो होती है परंतु उसका भाव मुग्धा नायिका की तुलना स्वरूप कुछ कम देखने को मिलता है, वो है प्रौढ़ा नायिका। और धीरा नायिका जिसका लज्जा भाव पूरी तरह से तिरोहित हो चुका हो, अर्थात पूरी तरह से समाप्त हो चुका, जिसमें लज्जा का कुछ भी भाव ना हो, जिसमें लज्जा ना हो, वह नायिका कहलाती है धीरा नायिका, जिसने लज्जा का त्याग कर दिया हो। तो ये है लज्जा के आधार पर नायिका के तीन प्रकार, मुग्धा जिसमें सर्वाधिक लज्जा होती है, प्रौढ़ा जिसमें कुछ कम लज्जा होती है, और धीरा जिसमें लज्जा का भाव बिल्कुल भी नहीं होता। तो वो हैं ये तीनों लज्जा के आधार पर नायिका के प्रकार।
इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रोषित पतिका नायिका क्या होती है। प्रोषित पतिका नायिका विरहिणी नायिका, ये विरहिणी नायिका के अंतर्गत आती है। विरहिणी नायिका से क्या तात्पर्य है, ऐसी नायिका जिसका पति जिसका प्रिय है उससे दूर हो और उसकी याद में वो जो है दुखी हो, वो नायिका कहलाती है विरहिणी नायिका। तो विरहिणी नायिका का ही एक रूप है प्रोषित पतिका नायिका, विरहिणी नायिका का ऐसा रूप जिसका पति परदेश चला गया हो, उससे दूर हो, दूसरे देश में हो, वह कहलाती है प्रोषित पतिका। प्रोषित मतलब जिसका पति दूर हो, प्रोषित पतिका नायिका उसके नज़दीक ना हो, उसके निकट ना हो, ऐसी नायिका गृहिणी के रूप में प्रोषित पतिका नायिका कहलाती है। उसके बाद हम देखते हैं आगत पतिका नायिका। आगत से क्या तात्पर्य है, आगमन आना। तो ऐसी नायिका जिसका पति परदेश से वापस लौट कर आ गया हो, वापस आ गया हो, वो कहलाती है आगत पति नायिका, जिसका पति वापस आगमन कर गया हो, वापस आ गया हो। उसके बाद अगला नाम देखते हैं हम प्रवत्स्य तो पतिका नायिका। प्रवत्स्य पतिका नायिका अर्थात जिसका पति परदेश जा रहा है, जिसे वो विदा कर रही है और उसको विदा करते समय जो उसकी दुखपूर्ण स्थिति होती है उसे उसी के आधार पर इस नायिका का प्रकार निर्धारित किया गया है। ऐसी नायिका जो अपने पति को परदेश जाने के लिए विदा कर रही हो, जिसका पति अभी परदेश जा रहा हो, वो कहलाती है प्रवत्सित पतिका नायिका। तो ये नायिका के तीन प्रकार देखे हमने, प्रोषित पतिका नायिका, आगत पति नायिका का और प्रवत्सित पतिका नायिका। इसके बाद स्व किया नायिका क्या है, जो नायक की खुद की पत्नी स्व की पत्नी वो कहलाती है स्व किया नायिका। और इसी का ही विलोम हम देखें तो पर किया नायिका, आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं कि ऐसा नायक या ऐसी नायिका जो नायक की पत्नी ना हो किसी अन्य की पत्नी हो वो कहलाती है पर किया नायिका। किसी दूसरे की स्त्री, किसी दूसरे की पत्नी, किसी दूसरे की प्रिया वो कहलाती है परकिया नायिका, और नायक की स्वयं की स्त्री, स्वयं की पत्नी, स्वयं की प्रिया वो कहलाती है स्वकिया नायिका। तो नायक की पत्नी के लिए तो स्वकिया नायिका शब्द प्रयुक्त होता है और किसी अन्य की पत्नी के लिए परकिया नायिका शब्द प्रयुक्त किया जाता है भारतीय काव्यशास्त्र में। अब जिस नायिका ने अपने पति से मान कर लिया हो, मान से यहाँ तात्पर्य है वो उससे रूठ गई हो और वो ये चाहती है कि मेरा पति मुझे मनावे, तो ऐसी नायिका जिसने अपने पति से मान कर लिया हो, रूठ कर बैठी हो और वो ये चाहती है कि मेरा पति मुझे मनाए, तो ऐसी नायिका कहलाती है मानिनी नायिका। मान से भरी हुई नायिका मानिनी नायिका कहलाती है। खंडिता नायिका, नायिका का ही एक प्रकार है खंडिता नायिका। जिस नायिका का पति किसी अन्य स्त्री के साथ रात बिताकर और रमण चिन्हों के साथ युक्त होकर प्रातःकाल घर वापस आए और उस वो नायिका उसकी स्थिति को देख ले, पहचान ले और उसकी इस गलती को पकड़ ले, तो वो उससे दुखी होती है और ऐसी दुखपूर्ण नायिका कहलाती है खंडिता नायिका, जिसके पति ने उसे धोखा दिया और उसके विश्वास का खंडन किया, तो इस प्रकार से ऐसी नायिका कहलाई खंडिता नायिका। इसी के ही प्रकार में हम आगे देखते हैं नायिका का ही एक प्रकार है पूर्वानुरागिनी नायिका। क्या है पूर्वानुरागिनी नायिका, तो पूर्वानुरागिनी नायिका से तात्पर्य है अनुराग प्रेम जिसके मन में जागे। अब कैसा जागे वो अनुराग और प्रेम, नायक की सुंदरता को उसने देखा, पहली बार ही देखा है नायक की सुंदरता को, पहली बार देखकर और उस पर मुग्ध होने वाली नायिका। और फिर क्या है, उसने नायक को देखा, उसकी सुंदरता पर मुग्ध हुई, बहुत ही उसने प्रभावित किया उसे, और फिर क्या है वो नायक उसे दूर चला गया, तो फिर उसे उसके दूर जाने से जो वियोग हुआ उस वियोग व्यथा का अनुभव करने वाली नायिका कहलाती है पूर्वानुरागिनी नायिका, जिसने नायक को प्रथम बार देखा, उसके मन में अनुराग प्रेम जगा, वो उस पर आकर्षित हुई और उस फिर क्या है नायक उससे दूर चला गया। इस प्रकार से उस इस स्थिति में उसके मन में जो विरह व्यथा उत्पन्न हुई उस प्रकार की नायिका को कहते हैं पूर्वानुरागिनी
नायिका। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं अभिसारी नायिका क्या है और इसके क्या प्रकार हैं। अभिसारिका नायिका से तात्पर्य है जो नायिका संकेत स्थल पर सज धज कर अपने प्रिय से मिलन करने को जाती है उसे अभिसारिका नायिका कहते हैं। और अभिसारिका नायिका दो प्रकार की होती है। क्या तात्पर्य है? ऐसी नायिका अपने प्रिय से जो मिलन के स्थल पर कोई स्थान निर्धारित किया है उन्होंने कि हम यहाँ मिलेंगे, और ऐसे स्थल पर बिल्कुल सज धज कर अच्छे से तैयार होकर अपने प्रिय से अपने नायक से मिलने के लिए जाती है ऐसी नायिका कहलाती है अभिसारिका नायिका। पर अभिसारिका नायिका के भी दो प्रकार हैं, दो भागों रूपों में है ये। क्या क्या है वो देखते हैं। शुक्लाभिसारिका नायिका और कृष्णाभिसारिका नायिका। क्या है ये? शुक्लाभिसारिका, शुक्ल से तात्पर्य है प्रकाश, चंद्रमा, रोशनी। शुक्ल से तात्पर्य है रोशनी पक्ष। तो शुक्लाभिसारिका नायिका चांदनी रात में श्वेत वस्त्र, रात भी चांदनी है, वातावरण भी जो है प्रकाश से भरा हुआ है, वस्त्र भी उसने श्वेत धारण कर रखे हैं, वह श्वेत ही फूलों का श्रृंगार कर रखा है, और ये सब कर कर वो अपने प्रिय मिलन के लिए जो जाती है ऐसी नायिका कहलाती है शुक्लाभिसारिका नायिका। और इसी की तरह एक दूसरा प्रकार है नायिका का, वो है कृष्णाभिसारिका नायिका। कृष्ण से तात्पर्य है अंधेरा, अंधकार। तो अंधेरी रात में उस रात की तरह जैसा वातावरण जो है बिल्कुल अंधेरा में काला बिल्कुल हुआ पड़ा है, तो वैसे ही वातावरण के आधार पर जो है अपने वस्त्र अंधेरी रात में काले या नीले वस्त्र पहनकर प्रिय मिलन के लिए संकेत स्थल पर जाने वाली नायिका कहलाती है कृष्णाभिसारिका नायिका। शुक्लाभिसारिका नायिका जो श्वेत वस्त्र पहनकर चांदनी रात में जाती है वो शुक्लाभिसारिका, और कृष्णाभिसारिका अंधेरी रात में काले या नीले वस्त्र पहनकर जो नायिका जाती है वो कहलाती है कृष्णाभिसारिका नायिका। तो ये आज का हमारा नायिका का प्रकार जो है पूरे हुए। तो आज हमने देखा नायक नायिका भेद क्या है, भारतीय काव्यशास्त्र के अनुसार नायक के क्या रूप, क्या भेद, क्या प्रकार बताए गए हैं, और नायिका के। धन्यवाद।